पुलिस थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नहारगढ़ पहाड़ी से युवक के अपहरण की वारदात का हुआ पर्दाफाश। हपात युवक अनुज को मुक्त कराकर जन्मदिन का दिया तोहफा। वारदात में सिर्फ मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सहित कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनमें से एक महिला भी शामिल। मूलतः ये करौली साइड से इनका गांव है और ये अभी संगरूर में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। हफ्ते भर की छुट्टियों के लिए आया था। 21 को इसका रिटर्न था और 18 को इसके साथ ये घटना हुई। ये अपने दोस्त के साथ पहले, जब एक महीने पहले इसके इंजीनियरिंग के कुछ फ्रेंड्स आए थे तो ये उसी जगह पर एक बार जा चुके थे, तो इनको था कि वापस उस जगह पर ये अपने दूसरे दोस्त के साथ उसी जगह पर घूमने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पे इनके साथ ही घटना कर पंचकुला से, तो वहाँ के लिए दो टीमें रवाना की। पहले एडवांस टीम कि वहाँ की कोई टेक्निकल हेल्प से कोई BTS होकर उठाएं, कोई CCTV फुटेज दिख जाए हमको, तो कुछ दिन तो हम इसी में उलझे रहे। फिर सोनी का जो अकाउंट था ना, सोनी जो बातें करता था तो वो बहुत तो उसमें वो एक एक कुछ कुछ ऐसे डिटेल देता था वहाँ पे। फिर हमें मौके से डक टेप मिले, नशे की दवाइयाँ इन दोनों को पिलाई गई थी, नींद में रखा गया था इस लड़के को भी, इसको भी पिलाई गई थी, तो वो दवाई का एक पत्ता मिल गया। तो ऐसे कुछ कुछ हमें वहाँ अलामत मिले जिससे वो लोकेशन, हमें घटना की पुष्टि होने लगी कि किडनैपिंग तो हुई है, फिर रियल में हुई है। अब कारण कुछ भी हो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, पिताजी ऑटो चलाते हैं, पैसे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पर किडनैपिंग तो हुई है। उसके बाद फिर फैमिलीज में हमें पता चला कि इनकी मदर जो है वो थोड़ा बात करने में ज़्यादा सक्षम है, वो अच्छे से बात कर पाती हैं, फादर साहब थोड़े घबराते हैं। तो फिर फादर साहब को हमने बीमार दिखाया कि भाई फादर साहब थे भी बीमार, एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, ताकि जो भी किडनैपर है वो इनकी माता जी से बात कर सके। और हमें टाइम भी बाय कर पाए हम लोग थोड़ा सा कि भाई अब हम नहीं आ सकते क्योंकि बाप हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और कुछ पैसे इकट्ठे करने में हमको टाइम लग रहा है। फिर हमने यहाँ डिप्टी साहब के मतलब सुपरविजन में डिप्टी साहब को इंचार्ज बना के टीम को रवाना किया। तो ऑलमोस्ट हमारे 20 लोग अलग अलग जगह, 20 लोग हमारे टीम के, इसमें CST के, DST के, थाने के, सभी लोगों का योगदान। जो यहाँ टेक्निकल टीम थी वो अलग काम कर रही थी, तो अराउंड 20 लोग इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे जो अपना अलग अलग इनपुट्स दे रहे थे। पहला रात में कौन चेक दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गई। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है, तो उसको लगा कि एक दो ग्रुप, दो लड़कों के ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्परस है उसको उठा के लेके गया। पूरा उसके पास तैयारी था, सामान, नींद का गोली, डक्टिंग टेप, रस्सी वगैरह थे, तो उस विक्टिम को उन्होंने बांध के लेके गया। साथी को इसी प्रकार उसको नींद का गोली वगैरह खिला के वहाँ साइड में पटक लिया, तो वहाँ से वो एस्केप हो गया और जयपुर छोड़ के उसका जो गंदस्तान है वहाँ उनको सीधे लेके गया। उसके बाद हमारे पास इसका सूचना आ गया कि इस तरह का किडनैपिंग हुआ है। तो शुरुआत में हम वहाँ पे वो एरिया में ढूंढने लग गया कि कोई लूटपाट करके उसको कोई मारपीट करके वहाँ कोई पटक लिया होगा, तो वहाँ पूरा सर्वे किया, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हमारे बैक ऑफिस में एडिशनल CP क्राइम ने टेक्निकल एनालिसिस और सर्वेलेंस का, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का काम शुरू किया। इस बीच में दिनांक 20 तारीख को सबसे पहले कॉल आया, वो विक्टिम का फोन आया कि आपका बच्चा जो है हमारे कब्जे में है और हम आपको उसको सुरक्षित चाहें तो हमें 20 लाख का फिरौती चाहिए। ये कॉल मैच्योर हो गया मथुरा से और उसके अगले रोज फिर कॉल आ गया, वो कॉल भी सेम फिरौती का मांगता था, उसको छोड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए। और वो कॉल मैच्योर हुआ था देहरादून से, उसमें ये कहा गया कि अच्छा, इसके बाद अगले रोज 22 तारीख को तीसरी बार कॉल गया, इस बार कॉल गया पंचकुला से,
और उनको कहा गया कि पैसा लेके आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। तो विक्टिम का मदर और हमारा टीम सफिशिएंट स्ट्रेंथ में यहाँ से रवाना हो गया, चंडीगढ़ पहुँच गया। तब पता चला, तब वहाँ से सूचना मिला कि आप वेट करो, दोबारा फोन आएगा, आपको बता दिया जाएगा कहाँ जाना है। उन्होंने हमें बाद में पता चला कि ये उसका शायद फर्स्ट किडनैपिंग का एक्ट था। तो उन्होंने ऐसा एक टेरेन चूज किया, उनके हिसाब से सही था, हमारे हिसाब से भी सही था पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना आबादी नहीं था, थोड़ा सा टेरेन मुश्किल था लेकिन आबादी इतना। तो उन्होंने ये कहा कि आप कालका जी रेलवे स्टेशन में आ जाइए। कालका जी रेलवे स्टेशन से जो कालका शिमला जो टॉय ट्रेन जाता है उसका आखिरी डिब्बे में बैठने के लिए का पैसा लेके, और आपको सूचना मिलते रहेंगे क्या करना है। तो हमारा टीम इसको मॉनिटर कर रहा था, तो हमारा साथ वाला टीम्स को रेलवे लाइन ट्रेन के अंदर और रेलवे लाइन के पैरल आपको ट्रेन देखा हुआ है, कई कई जगहों पे रोड जो है उसका पैरल चल रहा है। तो हमें लगा कि ये शायद रास्ते में ये बोलेंगे कि रोड के पैरल जब आता है तो साइड में फेंक दो, तो वो लेके चले जाएंगे। तो हम पहले से हमारे टीम्स तैयार थे उस रोड पे। एक स्टेशन आ गया धर्मपुर, धर्मपुर स्टेशन के जस्ट पहले उनको बताया कि आप ट्रेन के डोर के पास आ जाओ और हमारा नेक्स्ट कॉल आएंगे उसको फेंकना पा। तो हमारे टीम वहाँ तैयार थे, तो जो कलेक्शन के लिए जो खड़े थे वो आदमी वहाँ पकड़ में आ गया, उसको डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था वो पकड़ में आ गया, और उनके पूछताछ से वो पता है कि हमारे यहाँ किराए का मकान है आगे, वहाँ विक्टिम है, बाकी वहाँ लेके गए, वहाँ विक्टिम सुरक्षित मिला, वहाँ निगरानी करने वाला दो और मिला, और वहाँ मेन जो जिसका टीम लीडर है, गैंग लीडर है, उसका एक लिव इन रिलेशन में रहता एक महिला भी मिला। तो ये डीसीपी नॉर्थ के जो टीम है वो ग्राउंड वर्क पूरा एक्सरसाइज किया, प्लानिंग किया मेटिकुलसली, वो जो लास्ट जो पार्ट किडनैपर से इसको मुक्त करना है, सुरक्षित रूप से मुक्त करना है, सारों को पकड़ना है। हमें उम्मीद नहीं था कि सारों को पूरा गैंग उसी रात को पकड़ सके, लेकिन इनका प्लानिंग इतना अच्छा था और इनपुट्स मिलते थे हमारे बैक ऑफिस से, कैलाश हमारे एडिशनल सीपी, चंद्र प्रकाश वगैरह का जो टीम है इन्होंने यहाँ से इनपुट देते रहे, और शिवरतन एसीपी जो हमारा अमेरिका एसीपी है, मनीष वगैरह वहाँ पे प्रॉपर जो भी प्लान दिया था उसके प्रॉपर एक्सीक्यूशन किया, इसीलिए ऑपरेशन सफल हो गया उसी रात को। तो ये 3 दिन का ऑपरेशन था, और 26 की सुबह इसका कंप्लीशन हो गया। सर, अलामत कैसे मिले थे, बच्चा किस अवस्था में था? क्यों जब इसको लेके गए थे तो उसका मुंह डक्ट से गैग, इसके अलावा कोई फिजिकल टॉर्चर ज्यादा नहीं हुआ है। ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? एक का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये पहले के एक कलकत्ता में नौकरी किया और उनका खिलाफ कोई 306 का एक केस था कहीं बंगाल में। इसके अलावा इस तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है।